अगर आप अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हाँ, कुरासाओ की सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी ने एमबीबीएस डिग्री का ऐसा पाठ्यक्रम लॉन्च किया है जिसे अपनाकर भारतीय छात्र सिर्फ 5 साल में एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मुरली किंजुपल्ली ने इसकी जानकारी दी। यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीनी सज्जा, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन अखिलेश अग्रवाल एवं इंटर एडवाइज एजुकेशन के सीईओ कामेंद्र दहास समेत कई मेडिकल छात्र और अभिभावक भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मुरली गिंजुपल्ली ने कहा कि सेंट मार्टिनस का करिकुलम और कैंपस दोनों बेहतरीन है। यहाँ छात्रों को स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाती है। छात्र यहाँ कुरासाओ में 3 साल साइंस की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 2 साल उन्हें मिशिगन हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में फ्री में पीजी करने का मौका मिलता है। 5 साल के भीतर वे एमबीबीएस डॉक्टर बनकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और भारत समेत कई देशों में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय छात्रों से इस बेहतरीन मेडिकल कोर्सेस को अपनाने का आह्वान किया। सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी इज इन द आइलैंड ऑफ क्यूरासाओ, व्हिच इज साउथ टू मायामी, 2.5 hours देयर। दिस यूनिवर्सिटी इज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2000 एंड ग्रेजुएटिंग मेडिसिन स्टूडेंट्स एवर सिंस। Our fee structure with is 62,000 Indian dollars, US dollars for the 5 years of duration, and the duration is 3 years in the island and 2 years in the United States, in Michigan state. We do have facilities of hostel for boys and girls separately, and then we have the Indian mess system for the students who can have the home food with the 3 times in a day, and we have laundry services which can help them. And studying wise, the students will be appearing to the step 1, step 2 during the course of the study. So first 2 years or 3 years after, they'll take the step 1 which they pass, and they go move on to the clinicals in the United States, and then they do the step 2. And then after the step 2, we help them getting the residency into United States, which is called PG in India. Also, if the student wants to become a physician in India, we try to help them to get to India also to take the FMG exam. So the course is totally affordable by any student in India. The program is very well diverse, and it is so defined so clearly to excel in the course. So coming to Curacao, St. Martin's University is the best possible way to become a physician in US or any part of the world. वहीं इंटर एडवाइज एजुकेशन के सीईओ कामेंद्र दहाट ने कहा कि सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 52 लाख में ही एमबीबीएस डॉक्टर्स की डिग्री दी जाती है, जिसके लिए अमेरिका में 2.5 करोड़ खर्च होते हैं। कोर्स पीरियड भी कम होता है और क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, इसलिए यूएस में मेडिकल की पढ़ाई की चाहत और वहीं डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए सेंट मार्टिनस बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी किस तरह से सपोर्टिव है स्टूडेंट को, खास करके इंडियन स्टूडेंट को। जो फीस है ओनली 52 लाख रुपीज़ है, और ये अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस के फीस से तो काफ़ी हद तक, मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये एक फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हो जाता है, और ये फीस इसके लिए है जो बच्चे हमारे पास, जो स्टूडेंट हमारे पास कनाडा से, यूएस से, अदर कंट्री से आते हैं, वो लोग $95,000 सेम कोर्स के लिए भरते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी है इंडियन स्टूडेंट के लिए सब्सिडाइज फीस स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ये खास फ़ायदा इंडियन स्टूडेंट का है। दूसरा जो है कि यूएस में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको यूएस में जाने के लिए एमकैट का एग्ज़ाम लिखना होता है। वो एमकैट का एग्ज़ाम हमारे यूनिवर्सिटी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे
जो रिडक्शन ऑफ द फीस हो रहा है, सिर्फ 3 साल आपको बेसिक साइंसेस कुरासाओ में आइलैंड पे हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और हमारी प्रोविजन है मिशिगन में पॉन्टैक जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पे आपको क्लिनिकल्स पढ़ाए जाते हैं, और क्लिनिकल्स मिलना यूएस में इज़ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। दूसरी बात है कि अगर इंडियन डॉक्टर अगर बाहर जाके यूएस में डॉक्टर बनना चाहता है तो उनको यूएसएमएलई स्टेप 1 देना है, यूएसएमएलई स्टेप 2 देना है, उसके लिए टाइम जाएगा पूरा मेडिकल एमबीबीएस होने के बाद। उसके बाद उनको रोटेशंस करने हैं, क्लिनिकल्स क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, रिकमेंडेशन लेटर मिलाना है, तो इसमें करीबन 1 से 1.5 साल निकल जाता है और काफ़ी सारे पैसे भी लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो खाना है इंडियन खाना अवेलेबल है इन अफोर्डेबल कॉस्ट। यहाँ पे आपके एजुकेशन की क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है, आपके फाइनेंसेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, उसके साथ साथ आपके हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ इनका भी ख्याल किया जाता है, और आपको हर मोड पे पर्सनल सपोर्ट दिया जाता है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना तो सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी से कोई और अच्छी जगह नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वर इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।